कारण फिर से एक नया वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज है अष्टमी, तो आज के दिन हम लोग सब दोस्त मिलके घूमने के लिए जा रहे हैं। सब रेडी है, ये है हम लोग का मास्टर जी, ये है हम लोग का डॉक्टर बाबू अमित भैया, ये है औरूप, हम लोग का मुन्ना दा, वो है बाबू दा, और ये है वहाँ तो इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक उसका बहुत ही अच्छा है। ये आप लोग जितना भी लाइटिंग देख रहे हो हम लोग का, सब वो कार्तिक दा ही किया है, कार्तिक दा का अपना इलेक्ट्रिशियन है अपना। तो चलो सब कोई रेडी है, ये सामने है मेल मॉडल, पीछे है फीमेल मॉडल। हमारे एक बंधु अच्छे काकुली, ये हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ ठीक है। बाहर किछु खाबे ना बोले साबु किने निये गेछे, बहू बोले जे घुरते चलो बाहर किछु खाबो ना, तुम साबु खाबे आर तुम शुद्ध जल जल जीरा मेरे। तावर पासर दुकान चाट दुकान खुले चलो चाट मसाला निये गेछे डिफरेंट टेबिले दुकान थेके। तो सब कोई निकल पड़े हैं, ये देखो कौशिक और उसका वाइफ है। हम लोग कितना जन, 15 जन जा रहे हैं, 7-8 बाइक में जा रहे हैं 15 जन। तो फाइनली हम लोग आके पहुंचे अपना फर्स्ट डेस्टिनेशन में 41 पल्ली। तो ये वाला देखो 41 पल्ली, फर्स्ट टाइम खिदिरपुर मोड़, एकदम वो देखो खिदिरपुर मोड़, और ये रहा 41 पल्ली। मैं जब लास्ट ईयर वीडियो बनाया था यहाँ पे VIP पास का फर्स्ट मैं टेस्ट किया था भाई, सक्सेस हुआ था। इस साल क्या हुआ ना, हम लोग बहुत जन आए ना, तो इसलिए सोचे पास नहीं लेके आते है भाई, इतना जन है हम लोग का पासेस का शॉर्टेज पड़ेगा। 2 जन VIP घुसेगा, 2 जन नॉर्मल में घुसेगा, दरकार नहीं है, हम सब मिलके नॉर्मल लाइन में ही घुसेंगे। तो चलो नॉर्मल लाइन में ही दिखाते हैं आप लोगों को, चलो एक साथ में चलते हैं यार। ये वाला हो गया जो VIP लाइन है, VIP लाइन, ये वाला जो हो गया नॉर्मल लाइन जो पब्लिक के लिए है, वो एक पब्लिक लाइन, मतलब जो पासेस लेके आते, तो ये वाला लाइन में हम लोग घुसते। अच्छा भाई मेरे से गलती हुआ है, ये 25 पल्ली है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे 25 पल्ली। तो इस साल का 25 पल्ली का जो थीम है पूरी चायोन, ये हिंदी में क्या होता है पता नहीं भाई, आप लोग कोई जानते हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। ये जो स्प्राइट वगैरह का जो कैन है ना, वो कैन से बनाया है, देखो बहुत सुंदर लग रहा है यार। और यहाँ पे जो जो प्राइज जीता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 25 पल्ली क्लब, जो भी प्राइज वगैरह है सब वहाँ पे लगा हुआ है भाई। एक एक चीज का डिटेलिंग देखो आप लोग, एक एक चीज का देखो, बहुत सुंदर लग रहा है यार। अंदर का इंटीरियर आप लोगों को दिखाते, देखो वाह, ये साइकिल का टायर है, ये कार का टायर है, ये दुर्गा माँ को देखो यार, यहाँ से देखो आप लोग, और भाई जो सैंडिलियर है ना, वो जो थम्सअप वगैरह का जो बोतल है 2 लीटर का, 1 लीटर का, 500 ग्राम का, वो सब का दे के सैंडिलियर बना हुआ है देखो। और ये सब जो है ना देख रहे हो आप लोग, सब PCB बोर्ड है यार, मस्त लग रहा है यार। तो भाई देखो, देखते देखते हम लोग 74 पल्ली, मतलब 74 पल्ली में आ चुके हैं, जस्ट एकदम 100 मीटर का डिस्टेंस में हम लोग को वहाँ से निकला, हम लोग 200 मीटर चल के आए, तो 74 पल्ली में हम लोग आ चुके हैं। 74 पल्ली का थीम है इस साल का, शायद तुम्हें देखना पड़ेगा अंदर में क्या थीम है भाई। ऐसा थीम किया ना भाई, एक नंबर लग रहा है, जैसे लग रहा है एकदम ओरिजिनल है एकदम भाई। तो ये घर देखो पूरा एकदम रियली है, ये घर के अंदर में भाई थीम कर दिया, देखो ऊपर में लंठन लगा दिया एकदम, कितना सुंदर लग रहा है। वो देखो उधर भी ये फ्लैट है, फ्लैट के अंदर में भी देखो, फ्लैट के बाहर में भी देखो झुला दिया लंठन। मतलब क्या है ना, कलकत्ता में दुर्गा पूजा का वाइब्स ही अलग रहता है भाई। देखो ये जो कबूतर है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तो लग रहा है भाई पूरा एकदम रियल है एकदम भाई, रियल, बहुत सुंदर लग रहा है यार, बहुत सुंदर लग रहा है। अब लोग डिटेलिंग देखो, आप लोग डिटेलिंग देखो यार, आंख से देखोगे ना भाई। मैं आपको लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा यार, आप लोग एक बार कभी ना कभी यार, कभी आओ या ना आओ पता नहीं आप लोग कहाँ से देख रहे हो, लेकिन आप लोगों को एक बार अगर टाइम मिले तो दुर्गा पूजा के टाइम में भाई एक बार आप लोग जरूर कलकत्ता विजिट करो। ये आपको दिख रहा है ना, ये देखो घूम रहा है एकदम भाई, पूरा रियल लग रहा है यार। और यहाँ का दुर्गा माँ का मूर्ति देखो आप लोग, भाई भाई ओहो क्या लग रहा है यार। चलो नेक्स्ट डेस्टिनेशन देखते हैं, सब कोई को डिस्कशन हो रहा है कि कहाँ जाया जाए, तो वही सब डिस्कशन हो रहा है। तो ये दो पंडाल देख के कौशिक कैसा लगा?
अच्छा लगा? टू गुड। तो अभी हम लोग आ चुके हैं भाई बेहाला साइड में। बेहाला साइड आए हैं तो भाई हाजी साहेब का तो रोल खाना मस्ट है। तो हम लोग 12 जन करीब है, सब मिल बांट के खाएंगे, 2 जन 3 जन नहीं खाएगा। तो अंडा चिकन रोल ले रहे हैं, ये देखो अंडा चिकन रोल, 10 अंडा चिकन रोल बोले हैं। और हम लोग का जो मास्टर जी है वो वेज खाते हैं, तो उसके लिए पनीर रोल। तो देखते हैं ये रोल, देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोल सेल होता है भाई। रोल बनाने का स्टाइल देखो, 2 कढ़ाई लगाया बड़ा बड़ा यहाँ पे एक भाई। यहाँ पे मैं जब ऊबर ईट्स में काम करता था भाई, यहाँ पे बहुत सारा रोल का मैं ऑर्डर उठाया था। मैं जानता हूँ यहाँ ये लोगों का बहुत रोल का सेल है। अब तो भाई देखो ये रोल तो ले लिए, अभी 3 जन बाकी है। अभी 3 जन गया है बाइक रखने के लिए, बाइक रखने का भाई यहाँ पे जगह नहीं है। अमित भैया रोल कैसा लगा आपको? अच्छा है ना मास्टर जी? बहुत अच्छा। कार्तिक दा अच्छा है तो? रोल कैसा लगा? अच्छा है तो? बस अच्छा है तो चलो खाना वाना खा लिए। ये अभी 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 देख बेहाला साइड आज एक्सप्लोर करेंगे आज। रोल तो भाई एक नंबर रोल था, मैं बहुत बार ट्राई किया हूँ इसका रोल, मुझे मस्त लगता है इसका रोल। तो भाई देखो अभी गिना चुना हाथ में हम लोग है सब कोई, मतलब 5-6 जन ही है, बाद बाकी सब कहीं खो गया है। दिक्कत यही है, अभी आए हैं बेहाला नूतन दौल का पंडाल देखने के लिए। इसका ये वाला नॉर्मल लाइन है देखो भाई। अभी टाइम कोटा बजे देखो तो रात का 3:08 में भीड़ देखो भाई। ये वाला शायद वो VIP पासेस वाला लाइन है ये वाला। तो भाई ये देखो फर्स्ट इम्प्रेशन देखो भाई, क्या ही बनाया है यार। आर्किटेक्चर देखो भाई, पूरा एकदम लग रहा है रियल एकदम भाई। भाई बहुत बड़ा है यार ये देखो, बहुत ही अच्छा किया यार। वो एक नंबर बनाया यार, एक नंबर बनाया देखो, क्या ही बना, पूरा एकदम रियल लग रहा है यार इसमें। ये आंख के सामने देखने लायक चीज है भाई। ये देखो आप लोग मूर्ति देख लो। तो बेहाला नतून दल के बाद हम लोग चले आए हैं बेहाला फ्रेंड्स क्लब का पंडाल देखने के लिए। तो देखते हैं भाई इस साल क्या बनाया है। तो भाई ये देखो बेहाला फ्रेंड्स दल का जो मूर्ति है, जो प्रतिमा है, देखो भाई कितना सुंदर लग रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है ना, हर क्लब का ही एक अलग ही महत्व है, एक अलग ही मतलब थिंकिंग है, एक अलग ही मेंटेलिटी है भाई, जो हर साल करता है कुछ ना कुछ अलग रहता है। ये देखो चाइनीज वुमेन देख रहे हो। और यहाँ पे चल रहा है भाई हम लोगों का फुचका पार्टी भाई। यहाँ पे हर नुक्कड़ में, हर जगह में आपको ये फुचका आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। वहाँ पे एक ठो, यहाँ पे एक ठो, वहाँ पे एक ठो, बहुत जगह में, कलकत्ता में नाना करके बहुत जगह में मिलेगा ऐसा ठेला आप लोगों को फुचका का। पूजा के टाइम में, नॉर्मल टाइम में, कुछ भी टाइम में बोलो, ये मिलेगा ही मिलेगा आप लोगों को। तो देखो भाई शादी के बाद क्या होता है, ये देखो ये फंदा पहन लिया है। मैं जोड़ू का गुलाम बन के रहूंगा। आज नवमी दशमी रात है, क्योंकि भाई दूर जा नहीं पाया क्योंकि बहुत सारा भीड़ था, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि नियर बाई प्लेस में ही सब कुछ दिखा दूँ। देखो शिशु और तरुण समाज, ये हो गया एकदम 5 नंबर प्लेटफॉर्म है ना लिलुआ का, एकदम 5 नंबर प्लेटफॉर्म का एकदम सटा हुआ है एकदम। ये देखो बहुत सुंदर किया है भाई, एकदम नियर बाई में ही पड़ता है हम लोगों का, लिलुआ स्टेशन के पास में ही है ये वाला। बहुत बड़ा पंडाल है आप लोग देखो। ये देखो रात का कितना बज रहा है, और डॉक्टर वो कुछ बोलेगा नहीं, आज है 9वीं और 10वीं दोनों है। हाँ रात का बज रहा है 1:15। हाँ हम लोग अपना लोकल घूम रहे हैं। हाँ चलो मैं आप लोगों को प्रतिमा दिखा के लेके आता हूँ। बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है नाना करके, ये 100% 15 फीट का बहुत बड़ा है यार। और ये देखो सैंडिलियर, आप लोगों को कोई भी मंडप में ये चीज मैंडेटरी, ये दिखेगा ही दिखेगा आप लोगों को कोई भी पूजा में। तो भाई वहाँ से निकल के अभी हम लोग आ चुके हैं बाली देशबंधु पार्क। ये देशबंधु पार्क का पंडाल है देखो भाई। चलो प्रतिमा दिखाते हैं आप लोगों को अंदर से। देशबंधु क्लब का जो प्रतिमा है आप लोग देखो,
एक चाला का है भाई ये। और भाई सैंडिलियर देखो, मेरा फ्रेम में नहीं आ रहा, इतना बड़ा सैंडिलियर है ये देखो यार। ये सेम ऐसा ही सैंडिलियर करता है आपका एक दिल्ली एवरग्रीन में, जो इस साल जगन्नाथ टेम्पल किया है। मैं जा नहीं पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है उस सब साइड में। तो भाई अभी हम लोग का वो बाबूडांगा में बनर्जी बागान बोल के एक जगह है, वहाँ का मूर्ति देखने के लिए हम लोग आए हैं। क्लब के अंदर में पूजा होता है जैसे हम लोग का होता है। भाई मूर्ति देखो, एक चाला का मूर्ति है भाई, बहुत सुंदर लग रहा है। ऑलरेडी विजयदशमी पड़ चुका है, तो आप सभी को हैप्पी दशहरा एंड शुभो विजया अष्टे बच्चों आबार हवे। घट विसर्जन हो गया, देखो वहाँ पे रखा हुआ है सब। तो ये वाला है नेक्स्ट डे शुभो विजया दशमी, सबको हैप्पी दशहरा। आज है हम लोगों का भसान। तो अभी देखो रात का 10 बज रहा है, मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाया हूँ क्योंकि मैं काम पे गया हुआ था। तो आज है भसान देने के लिए हम लोग जा रहे हैं। चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं सोच रहा हूँ यही वाला वीडियो में आप लोगों को मैं ऐड कर देता हूँ, ये वाला भसान का वीडियो। आप लोग देखो कैसे भसान होता है, कहाँ जा रहे हैं भसान देने के लिए। जय माँ दुर्गा, जय। चलो अच्छा बचो रावे, जय। तो अभी तो हम लोग निकल पड़े थे भाई, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, जितना भी ये लाइट वगैरह है सब अटक रहा है वो आपका वो मुकुट पे। तो वही सब कोशिश कर रहा है कि थोड़ा सा आसानी हो जाए मुकुट खोल लेने के लिए, कि ऊपर में ना लगे। तो चलो एकदम सीधा एकदम गंगा घाट में आप लोगों से मुलाकात करते हैं, जहाँ पे हम लोग विसर्जन देंगे, वही भसान देंगे। चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो भाई देखो हम लोग अभी आ चुके हैं हम लोग का नियर बाई एक घाट में, जैसे बंदा घाट है यहाँ पे, उल्टा साइड में आपका अहिटला घाट है। हम लोगों का नियर बाई एक पड़ता है फुलतला घाट, तो वहीं पे आए हैं। यहाँ पे क्या ना स्लोप जैसा है, तो हम लोग को वो मूर्ति ले जाने में सुविधा है, इसलिए ये वाला घाट में हम लोग विसर्जन देते हैं। चलो मैं दिखाता हूँ आप लोग कैसे विसर्जन होता है। ये देखो सब मूर्ति लेके जा रहा है नीचे में, यहाँ पे देखो पटाखा फोड़ा है पूरा एकदम हम लोगों के लिए ही यार। ये देखो वो मतलब उस साइड में कलकत्ता है ना, और भी अच्छे तरीके से दिखाता मैं, क्योंकि वहां पे क्या है ना, वहां पे जाएंगे तो यार पूरा फंस जाएंगे, इतना भीड़ रहता है, इतना क्राउड रहता है ना, बहुत भीड़ रहता है। अगर मैं कोशिश करूंगा कल दिखाने के लिए आप लोगों को। ये चार मूर्ति तो भाई बहुत ही हल्का हल्का था, लेकिन भाई ये दुर्गा माँ को उठाना नामुमकिन जैसा बात है, कि बहुत भारी है भाई। इस साल छोटा तब भी इतना भारी है, तो सोचो अब बड़ा बड़ा मूर्ति कैसे उठाया जाता है। मेरा हालत देखो भाई, मेरा इसका क्या हालत क्या है, इसका इसका देखो क्या हालत क्या है, सब पूरा एकदम पीला पीला, अबीर देखे गुलाल देखे एकदम पूरा मुंह पूरा पीला पीला कर दिया है। ये देखो विसर्जन जाने का टाइम पे डांस देखो भाई, भाई ऐसा करके सात पाक मारा जाता है, उसके बाद विसर्जन किया जाता है। ये हो गया है और एक तो पाक होगा, उसके बाद सात पाक के बाद विसर्जन होगा। ये देखो ये मूवमेंट भाई, पूरा आंख में पानी आ जाता है जब माँ को पानी में विसर्जन किया जाता है भाई, बहुत ही मतलब बहुत ही इमोशनल मूवमेंट है ये वाला। Yeah!
तो चलो भाई, हम लोग का तो हो गया, अभी आया है दूसरा क्लब का, वो भी सेम प्रोसेस अपनाएंगे, सेम चीज होगा, सब कुछ सेम। चलो यहाँ से हम लोग निकलते हैं। तो ये रहा हम लोग का डॉक्टर बाबू अमित भैया, ये भी हम लोग का डॉक्टर भैया है विकास दा, दोनों ही डॉक्टर है। लास्ट में सिर्फ मैं इतना बोलूंगा, दुर्गा माई की जय, दुर्गा माई की जय, दुर्गा माई की जय, अस्ते बच्चों आवार हवे, अस्ते बच्चों आवार हवे, अस्ते बच्चों आवार हवे। यानी आगे साल फिर मिलेंगे हम लोग पापाई के यूट्यूब चैनल के साथ, पापाई दा ओपी। तो भाई इस साल का दुर्गा पूजा हुआ यहीं पे एंड, क्योंकि भाई मैं जो परसों को गया था सब कोई दोस्त मिलके, भाई इतना ग्रुप बड़ा बना के एक एडवांटेज भी है कि डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि हम मैं देख रहा था कि परसों दिन क्या हो रहा था ना, दो जन तीन जन पीछे, मैं तो देखो रास्ता हर रास्ता पहचानता हूँ तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और भी जो दोस्त लोग गया हुआ था ना, क्या हो रहा था कि वो लोग पीछे छूट जा रहा है, वो लोग कहीं अटक जा रहा है, तो मेरे को और भी जो दोस्त लोग जो रास्ता पहचानता था उन लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रहा, क्योंकि हम लोग रुक रुक के बार बार फोन में बात करना, चलो उसका एक अलग मजा है और दो चार जन जाने का एक अलग मजा है भाई। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि भाई ग्रुप में नहीं घूमा, भाई ग्रुप में घूमना चाहिए, पूरा एक्सप्लोर तो हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि दो तीन पंडाल आप लोग लाइन दोगे पूरा रात कट जाएगा, और जो जो बड़ा बड़ा पंडाल हुआ है जैसे संतोष मित्र स्क्वायर, आईडल सर्वजनोनी, चेतला, आपका आईटीआई कल्याणी आईटीआई, वो सब बहुत दूर है, कल्याणी आईटीआई तो बहुत दूर है, ये सब नियर बाई में पड़ता है, क्योंकि ये भी मैं नहीं दिखा क्योंकि बहुत भीड़ है भाई, एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटा पूरा एकदम पैक्ड भीड़ है, तो इसीलिए मैं नहीं दिखा पाया आप लोगों को। कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद वाला वीडियो में मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, एक स्पेशल चीज मैं लेके आ रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा, मैं ये नहीं बोल रहा मैं दिखाऊंगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर पास मिल गया तो मैं 100% मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये वाला वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे जरूर बताना, आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरा यहाँ पे देखो आप लोग इंस्टाग्राम का आईडी आ रहा, तो इंस्टाग्राम में भी आप लोग मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ पे लाइव अपडेट मिलता रहता है। तो चलो ये दुर्गा पूजा का पूरा सीजन जो है मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, चलो टाटा बाय बाय।